ऐसी फैमिलीज़ जिसके अंदर साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स रन कर रहे होते हैं उन आ, लोगों की जो फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स हैं उनके अंदर आ, अगर डिप्रेशन जो है वो प्रिवेल कर रहा है तो इट इज़ मोर लाइकली के जो बच्चे हैं उनके अंदर भी डिप्रेशन आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं इट इज़ लाइक सेट के ऐसे पेरेंट्स जिसके अंदर मदर को डिप्रेशन है या फादर को डिप्रेशन है तो 14 टाइम्स ज़्यादा चांसेस हैं कि उनके बच्चों को भी डिप्रेशन हो सकता है इसी तरह अगर जो डिप्रेशन है वो फादर मदर दोनों के अंदर है तो डेफ़िनेटली वो बच्चे के अंदर एटलीस्ट कहा जाता है कि 13 ईयर ऑफ एज से पहले मैनिफेस्ट हो सकता है तो जेनेटिक जो है वो एक बड़ा कॉज है कि ये जो डिप्रेशन है ये जनरेशनस के अंदर रन होता है ठीक है दैन वी विल टॉक अबाउट द ब्रेन स्ट्रक्चर देर आर सर्टन एबनॉर्मैलिटीज़ हैव बीन ऑब्जर्व्ड इन द ब्रेन स्ट्रक्चर जिसमें बेसल गेंगला जो है uh, उसके अंदर कहा जाता है कि बेसिकली uh, जो उसका वॉलीम है वो डिप्रेशन के जो पेशेंट होते हैं उनका वो रिड्यूस होता है अब uh, बेसिकली जो बेसल गेंगला है वो आपकी मोटर एक्टिविटीज़ को भी कंट्रोल करता है इमोशन्स को भी कंट्रोल करता है परसपशन को भी कंट्रोल करता है और कॉग्निटिव फंक्शनिंग को भी कंट्रोल करता है तो इसके अंदर अगर प्रॉब्लम आएगा तो डेफिनेटली डिप्रेशन होने डिप्रेशन uh, के पेशेंट के इस स्ट्रक्चर के अंदर जिसमें आपका रिड्यूस वॉल्यूम होता है बेसल गेंगे का वो देखने में आया है देन वी विल टॉक अबाउट द थलमस जो थलमस है इसकी जो पोजीशन है वो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स के और बेसल गेंगे के दरमियान में होती है अब आमतौर पे ये कहा जाता है कि हाइपर एक्टिविटी ऑफ थालमस जो है वो देखी गई है जो डिप्रेशन के पेशेंट्स हैं ठीक है यानी उनके अंदर इनकी हाइपर एक्टिविटी रिपोर्ट की गई है देन वी विल टॉक अबाउट द न्यूरोट्रांसमीटर्स न्यूरोट्रांसमीटर्स ट्रांसमीटर्स में दो न्यूरोट्रांसमीटर्स ट्रांसमीटर्स हैं जो कि कहा जाता है कि न्यूरो एपिनफ्रीन और सेरेटोनाइन का जो लेवल है वो डिप्लीट कर जाता है डिप्रेशन के पेशेंट्स के अंदर इसमें से किसी एक के अंदर भी जो है एक्टिविटी डिक्रीज़ हो सकती है नीरो ट्रांसमीटर की या दोनों की हो सकती है तो आमतौर पर जो एबनॉर्मेलिटी है वो इन दो नीरो ट्रांसमीटर्स में देखी गई है तो जब भी आप डिप्रेशन के क्लाइंट को देखें तो उसके अंदर ये मुमकिन जो है आप कॉजेज़ आपको नज़र आ सकती हैं जिनको हम कहेंगे बायोलॉजिकल कॉजेज़ ऑफ डिप्रेशन